Hello students, a very good morning to all of you. This is Sugan, your English teacher, and today we will start our chapter 5th, A Different Kind of School. Before you read, do you know these words? If you don't, find out their meanings, like bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system, etc. क्योंकि आपको इन वर्ड्स का पता है अगर आपको नहीं पता देन आप इनके मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो जैसे गूगल करो डिक्शनरी का यूज करो एंड यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गैस इन वट वे हिज स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अवर स्कूल्स कि आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो एंड उसके बाद नोटिस करो कि जो ये वाला स्कूल है ये किस वे में डिफरेंट है जैसे कि हमारे लेवल के जो स्कूल्स होते हैं उनसे I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. कि मैंने बहुत जैसे यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं दैट इज़ मिस बीम कि मैंने मिस बीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं बट लास्ट वीक तक मुझे मौका नहीं मिला मुझे चांस नहीं मिला उनके स्कूल को विजिट करने का When I arrived, there was no one in a sight. But a girl of about 12. कि जब मैं गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था साइड मतलब टू बी सीन कि कोई भी नहीं दिख रहा था बस एक लड़की दिख रही थी जो कि 12 ईयर्स की थी हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड जो उसकी आईज थी बैंडेज मतलब वो एक पट्टी के साथ कवर थी एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटल बॉय एंड लीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है लेड एंड उसे केयरफुली जैसे लेके आए वो जैसे लीड कर रहे थे वहाँ पे लेके गए थे कहाँ पे फ्लावर बेड्स के बीच में जहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स थे और कौन लेके आया था उसे वहाँ पे एक लिटिल बॉय एक छोटा सा बच्चा हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम कि वो वहाँ पे रुकी और ऐसे लग रहा था कि उसने उस जैसे जो बच्चा था 4 साल का उससे पूछा कि यहाँ पे कौन आया है He seemed to be describing me to her और ऐसे लगा जैसे कि उस बच्चे ने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे मैं आया हूँ Then they passed on और उसके बाद वो वहाँ से चले गए Miss Beam was all that I had expected कि जो Miss Beam थी वो वैसी ही थी जैसे मैंने उन्हें एक्सपेक्ट किया था middle aged, full of authority, yet kindly, understanding कि जिन्हें पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है पूरा का पूरा अधिकार होता है एक हाफ एज में जैसे करीबन 40 to 50 years की काइंडली मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर की अंडरस्टैंडिंग जिनकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकती थी हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड जो इनके बाल थे वो हल्के से सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए थे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर प्लम का मतलब होता है प्लेजेंटली फैट और स्टाउट यानी जैसे जो थोड़ा सा क्यूट सा फिगर होता है जो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते बहुत पतले भी नहीं होते उस तरह से उसके बाद That is likely to be comforting to a homesick child. And और हमेशा से ऐसे लगता था कि जैसे कि वो एक homesick child है जैसे जो child घर पर चुप रहता है वो ठीक है जैसे कि जो घर पर homesick होता है जिससे बहुत ज़्यादा घर की याद आती है ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने घर की लाडली थी I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने उनसे कुछ जैसे कुछ मेथड्स पूछे कुछ तरीके पूछे कि वो किस तरह से मतलब पढ़ाती हैं जो कि मैं क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना था कि उनका स्कूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि ऐसा क्या है उनके स्कूल में लेकिन जब मैंने सुना तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगी नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल स्पेलिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet there are practically no other lessons to wahan pe jo mrs beam hai wo explain kar rahi hai ki wo kis tarah se padhati thi apni class ko कि वो बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो वही सिखाती थी सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती थी स्पेलिंग्स केयरफुली वो बताते थे बच्चों को एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग राइटिंग और जो बाकी का है वो बच्चे खुद रीड करते थे जैसे जो रीडिंग स्किल्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स एक अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन डिस्कशन से ड्यूरिंग विच दे हैव टू और उस उन जो डिस्कशन होता था उसके अंदर उन्हें आराम से बैठे होना होता था उनके हाथों को चुप रखना होता था
किया. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. उनके अलावा जो उन बच्चों के कोई भी अलग लेसन्स नहीं होते थे. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स एज टू टीच थॉटफुलनेस. कि जो स्कूल का रियल एम था वो क्या था, कि उन्हें नए आइडियाज़ को सिखाना था, थॉटफुलनेस, कि हम हर सिचुएशन में किस तरह से सोच सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर भी ऐड कर सकते हो. काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. जैसे इंडिया का एक सिटीजन एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हो के, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काइंडफुल हो के. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, कि लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, कि तुम एक मिनट जैसे बाहर देखो कि खिड़की के. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. तो उन्होंने, जैसे ऑथर था, उन्हें बोला कि आप एक बार विंडो के बाहर देखो. और उन्होंने, एक बहुत बड़ी विंडो थी खिड़की के बाहर, जब उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा गार्डन था, प्ले ग्राउंड था. तो मिस बीम उनसे पूछती हैं कि आपने क्या देखा. सो स्टूडेंट्स, हम यहीं तक करेंगे आज का चैप्टर, एंड जो हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच, हैव ए लवली डे.